मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने गैंग को गिरफ्तार किया है जो लोगों को डरा धमका कर लूटते थे। इस गैंग में कुल 5 लोग शामिल है जिसमें एक पत्रकार भी बताया जा रहा है। ये गैंग दिन दहाड़े बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के पास खड़े रहकर लोगों को लूटते थे। इन आरोपियों को जाल बिछाकर कस्तूरबा पुलिस ने पकड़ा है। इन आरोपियों में एक पत्रकार भी शामिल है जिससे लूटपाट करने के बाद पकड़े जाने पर ये पत्रकार का कार्ड दिखाकर छूट जाते थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि मुंब्रा में रहने वाले कुछ लोग बोरीवली में लूटपाट के इरादे से आते हैं। इस जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इन्हें संजय गांधी नेशनल पार्क के पास पकड़ा। क्राइम ब्रांच यूनिट 12 के सीनियर PI विलास घोसले के मार्गदर्शन में API खोलम और उनकी टीम ने जाल बिछाकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूनिट 12 दहिसर क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल संतोष बने, इनको इनके खबरी के द्वारा इंफॉर्मेशन मिली कि 5 लोग पिक पॉकेटिंग करने के लिए ओंकारेश्वर बस स्टॉप नेशनल पार्क के पास आ रहे थे। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, हमने वो हमारी टीम बनाई, 2 टीम, और वहाँ पर जाके हमने वो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया। तो वहाँ खबरी ने अंगुली निर्देश करके बताया कि 5 सितम वहाँ पर जो खड़े थे वो पिक पॉकेटिंग करने के लिए आए थे। तो तुरंत हमने उनको पकड़ लिया। हम उनको पकड़ने जाते समय उनको हमारा अंदेशा लगते वो भागने लगे थे, उनको हमने पीछा करके पकड़ा और जगह पे उनकी झड़ती ली। तो झड़ती में उनके पास कटर मिले, उनके पास मोबाइल मिले, उनके पास बेस्ट का पास मिला। उनको वहाँ पर आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वो चोरी करने के लिए आए थे। उनके पास अधिक पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ इसके पहले भी मुंबई के कई पुलिस थानों में चोरी के मामले दर्ज हैं। तो हमने उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर हमने उनको ताबे में लेके उनके ऊपर गुना दाखिल करके उनको अरेस्ट किया है। आगे हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है? पांचों का अलग अलग रोल क्या होता था? पांचों का अलग अलग रोल होता था। इसमें एक आदमी जो है वो उसको एक दौर जो उस जिसके पास चोरी करना है उसको वो मतलब उसको वो हेर लेता था कि इसके पास कीमती अवैध हो सकता है, इसको कुछ शिकार कर सकते हैं ऐसा। तो फिर उसको जाके उसके आगे खड़ा रहता था, कोई उसके लेफ्ट में, कोई उसके राइट में, कोई उसके जाके पीछे खड़ा रहता था और उसको हिलने का मौका ना देते उसके जेब में से बेमालूमी से वो निकाल लेते थे कीमती चीज। हमारे पास माहिती मिळाली कि 5 किसम हे बेस्ट बस मधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे किस्से कापून चोरी करण्यासाठी ओंकारेश्वर बस स्टॉप नॅशनल पार्क जवळ वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे बोरिवली पूर्व येथे येणार आहे। ही माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही आमची टीम तिकडे पाठवली आणि तिथे आम्ही बस स्टॉप जवळ सापळा रचला। त्या ठिकाणी 5 लोक जे आहेत ते आमच्या बातमीदाराने इशारा करून आम्हाला दाखवला। आम्ही त्यांच्या हालचालींवरती लक्ष ठेवलं तर त्यांच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्या, त्यामुळे आम्ही त्यांना ताब्यात घेतले। आम्ही त्यांना ताब्यात घ्यायला गेलो असता आमची चावून लागल्यावर ते पळून जाण्याचा प्रयत्न करू लागले। पाठलाग करून आम्ही ताब्यात घेतले त्यांना आणि त्यांची झडती घेतली। तर झडतीमुळे त्यांच्या खिशामध्ये 4 मोबाईल, कटर आणि बेस्टचा पास आढळला। त्यांच्याकडे अधिक विचारपूस केली असता त्यांच्याविरुद्ध मुंबईमधल्या विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये पाकिटमारीचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती मिळाली। त्यांना तिथे येण्याचं कारण विचारलं असता त्यांनी बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे किस्से कापून चोरी करण्याकरता आले असल्याचे सांगितले। आम्ही त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला असून अधिक तपास करीत आहोत। हे 5 आरोपी जे आहेत त्या 5 आरोपींची नावं जे आहेत, एक राजाराम पाटील म्हणून जो आहे तो मुख्य आरोपी आहे, नंतर त्याचे सहकारी आहेत 4,